हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टेक गैलेक्सी में। तो गाइस, मैं आज आपके लिए फिर से एक बार नई वीडियो का ट्यूटोरियल लेके आ चुका हूँ। तो सबसे पहले आप प्रीव्यू देखिए। तो गाइस, अगर आपको प्रीव्यू पसंद आया और आप भी इस तरीके की रील्स या स्टेटस को क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको BN एप्लीकेशन की जरूरत पड़ने वाली है। सिंपली आपको उसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है और ओपन करना होगा। जब गाइस आप इसे ओपन करेंगे तब कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, उसके बाद स्किप पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको प्लस का आइकॉन दिख रहा है, नीचे की तरफ चार ऑप्शन मिलते हैं, सेकंड वाला ऑप्शन मिल जाता है, इस पर क्लिक करने के बाद न्यू प्रोजेक्ट पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद गाइस यहाँ से आपको अपने फोटोज को सिलेक्ट करना है जिनसे आप स्टेटस को क्रिएट करना चाहते हैं। तो गाइस यहाँ से मैं फोटो वाले सेक्शन में आ जाता हूँ। उसके बाद जिस फोल्डर में आपको फोटो हो आपको उस फोल्डर में जाना है और यहाँ से आपको अपने फोटोज को सिलेक्ट करना है। तो गाइस सबसे पहले मैं यहाँ से कुछ फोटोज को सिलेक्ट कर लेता हूँ, आपको भी अपने हिसाब से कर लेना होगा। ठीक है, मैंने यहाँ से फोटो सिलेक्ट कर लिए हैं, 6, 7, 8, 9, 10, 11 फ़ोटो मैंने सिलेक्ट कर लिए हैं। मैं टोटल 12 फ़ोटो आपको समथिंग सिलेक्ट करना है। तो गाइस यहाँ से मैं एक फ़ोटो को और सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाला फ़ोटो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने पूरे सिलेक्ट कर लिए 12। उसके बाद एरो वाला ऑप्शन पे क्लिक करके आपको यहाँ से आ जाना है, आपके सारे फ़ोटो इस तरीके से कुछ आ जाएंगे। उसके बाद ये ब्लैक स्क्रीन मिल जाती है जिसमें आपको लोगो मिलता है, तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है तो हम इसे डिलीट कर देते हैं। उसके बाद अब आपको आना होगा शुरू में। शुरू में आने के बाद क्या क्या करना है, यहाँ से फ़ोटो के ऊपर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है ओरिजिनल का, आपको इस पर क्लिक करना होगा और यहाँ से आपको अपना फॉर्मेट सिलेक्ट करना है कि किस रेशियो में अपने स्टेटस को क्रिएट करना चाहते हैं। जो भी आपको सिलेक्ट करना हो कर सकते हैं। मैं यहाँ से 9:16 रेशियो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको देख लेना है कि आपका फ़ोटो कहीं कटा तो नहीं है, सारे फ़ोटो आपके अच्छे से आ तो रहे हैं। तो मैं यहाँ से देख लेता हूँ एक बार, अगर कट गया हो तो उसे हम एडजस्टमेंट कर लेंगे। ठीक है, टेंशन मत लेना। जैसे ये फ़ोटो कट गया है थोड़ा, तो इसको मैं इस तरीके से कर लूँगा। बाकी आप देख सकते हैं बाकी सारे फ़ोटो सही हैं। इसे भी मैं थोड़ा अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, बाकी ठीक है हमारे। उसके बाद यहाँ से आपको बैग आ जाना है, इस तरीके से शुरू में आ जाना है। अब गाइस सबसे पहले हमें यहाँ से लगाना होगा म्यूजिक, क्योंकि म्यूजिक के बगैर तो सब कुछ बेकार है। एक म्यूजिक के हिसाब से हमें फोटो को ऐड करना होगा। उसके बाद प्लस का आइकॉन मिलता है सबसे ऊपर आपको म्यूजिक वाला, इस पर आपको क्लिक करना है, म्यूजिक पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से एडिट के सामने प्लस का आइकॉन मिलता है, आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से आपको चार ऑप्शन मिल जाते हैं, चार ऑप्शन में तीसरे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, हैशटैग फ्रॉम वीडियो। वीडियो से हम ऑडियो को निकालने वाले हैं। जो भी वीडियो का म्यूजिक है आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप सिंपली उसे डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद यहाँ से आपको उसे निकाल लेना है, तो मैं गाइस यहाँ से निकाल लूँगा, ये आ गई, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद ओके पे क्लिक करना है, इसका म्यूजिक निकल आएगा, सबसे ऊपर ही आ जाएगा। चूज पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको राइट वाले ऑप्शन में क्लिक करने के बाद म्यूजिक आपका निकल आया। आप कहाँ कहेंगे फोटो बहुत ज़्यादा होगा, म्यूजिक बहुत कम है, तो आप टेंशन मत लीजिए। म्यूजिक के हिसाब से हमें फोटो का एडजस्टमेंट करना है, तो इस तरीके से हम कर लेंगे। थोड़ा दोनों उंगली से आपको इसे बड़ा कर लेना है जिससे हमें म्यूजिक को लगाने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो गाइज आपको ये बात ध्यान में रखनी है। उसके बाद हमें अपने फोटो को ट्रिम करना है, तो पहले फोटो को हम इतना रख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको फोटो को अपने हिसाब से कर लेना है म्यूजिक को सुन सुन के। तो गाइस मैं फटाक से कर लेता हूँ। बस आपको यहाँ से कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, आपको शुरू में आ जाना है। फोटो को यहाँ से आपने लगा लिया, अब हमें लगाना होगा अपने सारे फोटो में एक इफेक्ट। तो गाइस आप पहले वाले फोटो को अगर आप चाहें तो रहने दे सकते हैं, वरना आप इसमें भी इफेक्ट लगा सकते हैं, मैं तो इसे रहने देता हूँ। ठीक है, अब दोनों उंगली से आपको इस तरीके से बड़ा करना है और जिससे हमें इफेक्ट लगाने में आसानी हो जाएगी। तो पहले वाले दूसरे के फोटो में क्लिक करता हूँ, एफएक्स में जाना होगा और यहाँ से आपको ये लगाना होगा। इस तरीके से मैं यहाँ से इसे करता हूँ, आपको मिल जाएगा यहाँ से जिटर डाउन, ये वाला लगाना है। ठीक है, इसको लगाने के बाद आपको इसे कर देना है इस तरीके से फुल, तो आपको यही लगाना है सभी में। इसे लगा दिया, दूसरे फोटो पे क्लिक करना है, एफएक्स में जाना है और यहाँ से आपको इसी को लगाना है जिटर डाउन, जितना हो सके इसे आपको कर देना है। तो आगे इसी तरीके से आपको सारे फोटो में लगा लेना है। मैं लगा लेता हूँ फटाक से।
तो गाइस यहाँ से जब आप अपने सारे फोटोज में यहाँ से इफेक्ट को लगा लें, उसके बाद क्या करना है आपको सिंपली इस वीडियो को अपने फ़ोन में सेव कर लेना है। तो यहाँ से आपको सेव या एक्सपोर्ट पे क्लिक करके इसे आपको अपने फ़ोन में सेव कर लेना है। तो मैं गाइस यहाँ से सेव कर लेता हूँ, कुछ सेकंड आपको वेट करना होगा, उसके बाद ये हमारी गैलरी में सेव हो जाएगी। थोड़ा आप वेट कीजिए। उसके बाद आपको एक और एप्लीकेशन की जरूरत पड़ने वाली है, जिस एप्लीकेशन का नाम है 3D LUT। तो सिंपली आपको उसे डाउनलोड कर लेना है। उस एप्लीकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप सिंपली जाकर उसे डाउनलोड कर लीजिए। वीडियो हमारी एक्सपोर्ट हो चुकी है, उसके बाद आपको 3D LUT 2 एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद इसको आपको ओपन करना होगा। ठीक है, जब आप इसे ओपन करेंगे तब कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। उसके बाद यहाँ से आपको तीसरा ऑप्शन मिलता है, फोटो कैमरा वीडियो, वीडियो का ऑप्शन पर क्लिक करना है। जो वीडियो अभी आपने एक्सपोर्ट की थी BN एप्लीकेशन से, आपको सिंपली यहाँ से उसे सिलेक्ट कर लेना है। हमारी वीडियो एक ऑप्शन मिल जाता है लट का, सिंपली आपको इसी पे क्लिक करना है। लट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको बहुत सारी लट मिल जाती हैं, अब आपको अपने हिसाब से एडजस्टमेंट करना होगा। तो लट के हिसाब के आपको इस तरीके से स्क्रॉल करना होगा और यहाँ से आपको एक लट मिल जाती है टॉप 5 ये वाली, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ से आपको बहुत सारे इफेक्ट मिल जाते हैं, आप जो भी इफेक्ट को लगाना चाहें अपनी वीडियो में लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी वीडियो कलर ग्रेडिंग कर सकते हैं। तो पहले अगर आप क्लिक करेंगे तो सभी जितने भी फोटो आपके सब इसी तरीके के हो जाएंगे, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा गॉर्जियस लगता है और आपका स्टेटस काफ़ी कमाल का लगेगा। अगर आप ये वाला लगाना चाहें तो ये आप ये वाला लगा सकते हैं, वीडियो तो आप देख ही सकते हैं, वीडियो आपके सामने चल रही है। अगर अगला वाला लगा के दिखाता हूँ मैं आपको, ये वाला देख सकते हैं आप। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा लगाना चाहते हैं और किस तरीके के आप अपने स्टेटस को क्रिएट करना चाहते हैं, किस तरीके की कलर ग्रेडिंग में। सिंपली आपको जिस जो भी पसंद आए आपको उसे लगा लेना है और अपने फ़ोन में सेव कर लेना है। सेव कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा, बाकी गाइस यहाँ से मैंने आपको सारे दिखा दिए किस तरीके से आपको लगाना है। यहाँ से आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, यहाँ से आपको सैकड़ों मिल जाते हैं जिनका आप यूज कर सकते हैं। ये वाला देख सकते हैं आप, ये वाला देख सकते हैं, कितना ज़्यादा गजब का लग रहा है। जो भी आपको पसंद हो सिंपली आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं, बाकी गाइस आपको अपने फ़ोन में सेव कर लेना है। ये वाला देख सकते हैं आप, ब्लैक एंड वाइट वाला। तो जो भी आपको पसंद हो सिंपली आप उसे सिलेक्ट कर लीजिए अपने फ़ोन में। बाकी गाइस यहाँ से मैं आपको एक को सिलेक्ट करके दिखाता हूँ, ये वाला पहला, ये मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है तो मैं इसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से आपको एक ऑप्शन जाता है एक्सपोर्ट का, आपको इस पर क्लिक करना है। उसका सेव टू गैलरी का ऑप्शन मिल जाता है, आपको इस पर क्लिक करना है। डायरेक्ट आप यहाँ से अपनी गैलरी में सेव कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट आप यहाँ से फेसबुक या इंस्टाग्राम पर अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इस पर क्लिक कर देंगे सेव टू गैलरी, या आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लाइक, टेक केयर एंड बाय।